अलीराजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 घंटे तक खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे मार्ग को जाम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ता बिजली विभाग के सामने सड़क पर धरना प्रदर्शन करने लग गए। इनका आरोप था कि अलीराजपुर जिले में बिजली विभाग की मनमानी काफी चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता बिजली विभाग के सामने धरने पर बैठ गए और लगभग 3 घंटे तक खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे मार्ग को जाम कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अलीराजपुर जिले में बिजली विभाग के द्वारा हजारों रुपए के बिल गरीब आदिवासी किसानों के हाथ में थमा दिए जाते हैं, वहीं बिना सूचना दिए गाँव की बिजली काट दी जाती है, जिससे ग्रामीण लोगों को काफी समस्याएं होती है। 3 घंटों तक चलते इस प्रदर्शन में अधिकारी व प्रशासन के बीच चर्चाओं का दौर चलता रहा और आखिर में बिजली विभाग के अधिकारी को भाजपा कार्यकर्ताओं की मांगे माननी पड़ी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरने को समाप्त किया। आप सबने देखा होगा कि अलीराजपुर जिले में आदिवासी किसान बिजली के लिए बहुत ज्यादा त्रस्त है और हम सब लोगों ने तय किया था कि 28 तारीख को बिजली विभाग का धरना दे के घेराव करेंगे। और आप सबने देखा होगा कि आज आदिवासी किसान, मजदूर, गरीब, जिनके घर में एक बल्ब है, एक पंखा है, ऐसी महिलाओं और पुरुषों के 40-40 हजार ये कांग्रेस की सरकार दे रही है। आज ये स्थिति एक के साथ नहीं है, पूरे जिले में बिजली के हजारों रुपये के बिल ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। और हमने आज अधिकारी होगा, हमने बिजली विभाग का घेराव करके हमने अधिकारियों से कहा है कि जनता के सामने जो बातें हैं आप स्पष्ट करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलीराजपुर जिले में ट्रांसफर जलता है तो अधिकारी और लाइनमैन मिलके ट्रांसफर बदलने के हजारों रुपए लिए जाते हैं। अगर आदिवासी के कोई ट्रांसफर में ऑयल खत्म हो जाता है, लीकेज होता है, ट्रांसफर में ऑयल बदलने के हजारों रुपए लेते हैं आदिवासी। उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने आंदोलन किया है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अगर किसी गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर अगर जल जाएंगे उसको 3 दिन में बदलने का आश्वासन दिया है। और जिनके बिजली के बिल 20,000, 30,000, 5,000 जो शिवराज जी की सरकार में 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया आता था, उनका हजारों रुपये बिल दिया जा रहा है। अलीराजपुर के जिले के अधिकारी एसी वर्मा ने कहा है कि 2 तारीख को जितने भी आदिवासी गरीब के बिल बढ़े हैं 2 तारीख को शिविर लगा के उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। अगर उसके बाद भी ये जिले के अधिकारी और प्रशासन के लोग नहीं मानते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर के आदिवासी गरीबों को न्याय दिलाएगी। इस दौरान लंबे समय तक यातायात बाधित होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, अलीराजपुर।